नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। जम्मू कश्मीर की आज की अहम खबर। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किया रियल एस्टेट नीति का विरोध। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉइस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को प्रदेश के लिए किया रियल एस्टेट नीति का विरोध। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक कोशिश है। बता दें कि सोमवार को जम्मू में सरकार द्वारा 18,300 करोड़ की 39 एमओयूज पे देश की कई बिजनेस कंपनियों ने किया दस्तखत। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि एक बार फिर सरकार की असल मंशा जाहिर हुई है। वहीं अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के हित में हैं, पर हमारे लोगों का रोजगार और जमीनों के हक पे किसी भी तरीके का आघात हम सह नहीं पाएंगे। ये थी आज की अहम खबर। और भी खबरों के लिए बने रहिए फ्री वॉइस के साथ।